अस्सलाम वालेकुम, ये है एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ गुलाम मुर्तजा। आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ होंगी महरीन सबदैन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और जन्नत नजीर वादी सवात में अमन की बहाली पर शोबिज सरगर्मियां फिर से उरूज पर पहुंच गईं। जन्नत नजीर वादी सवात में फिल्मों ड्रामों की शूटिंग का सिलसिला दहशतगर्दी की वजह से रुक गया था, लेकिन अम की बहाली के बाद यहां शोबिज की रौनकें दोबारा लौट आई हैं। देखते हैं शीरिन सादा की ये रिपोर्ट। अमन की बहाली के बाद जन्नत नजीर वादी स्वात का हुसन लौट आया है और इसी हुसन को कैमरों में कैद करने के लिए फिल्मों और ड्रामों के डायरेक्टरों ने 6 साल बाद यहां डेरे डाल लिए हैं। पश्तो ड्रामों की अदाकारा शाजिया भी इन दिनों स्वात में है। शाजिया खुश है कि मशहूर हेरोइंस की तरह इसी भी स्वात के रंगीन और मस्त नज़ारों में फन के इजहार का मौका मिला है। स्वात के हालात बहुत ठीक है, बहुत बेहतर है और हम अभी आए हैं वालियम के लिए, वालियम बना रहे। ये सिर्फ शाजिया की सरशारी ही नहीं, पश्तो गानों का नया एल्बम तैयार करने वाले तमरेज को भी वादी स्वात की दिलकशी अपनी जानिब खींच लाई है। मैं दूसरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आइए, कुछ भी नहीं है और अभी हालात बिल्कुल ठीक ठाक है। एक अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सालाना 200 से ज़्यादा ड्रामे और टेली फिल्में बनाई जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर की अक्सबंदी पहाड़ी और पुरपजा मकामात पर की जाती है। स्वात की दिलकश और खूबसूरत नज़ारों में एक बार फिर ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, जो कि अमन की बहाली की एक दलील है। शीरिन ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज़, शिंगरई, स्वात। बॉलीवुड की नई